आपके ऊपर आरोप यह है कि राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, अब ये कैसा अन्याय है? एमवाई फॉर्मूला का क्या हुआ? देखिए आप, एमवाई था हमारा महिलाएं और यूथ। अच्छा, क्योंकि आप जब पॉलिटिक्स में आए ना अखिलेश जी, उससे बहुत पहले से मैं पत्रकारिता में आ गई थी और पॉलिटिक्स ताल ठोक के। चलो तुम इतनी ज्ञान वर्धन बातें कर रहे हो, एक सवाल एससी एसटी का फुल फॉर्म भी बता। गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग नहीं है, ये लोग चंद्रशेखर रावण के पाले हुए नीले कबूतर हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत के विभाजन में लिखा हुआ है कि जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता, जब तक भारत का प्रत्येक हिंदू भारत में नहीं आ जाता, तब तक विभाजन को नहीं मानेंगे। पूछो, भेजोगे सारे मुसलमान को पाकिस्तान? नहीं मानोगे। ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है, बेवजह का है, बिल्कुल बेवजह का है। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं होगा ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा। फिर जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द है उनके लिए? अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं? जैसे नहाते जिब्रील अलैहि सलाम, उनके जिस्म से जो बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर जब ये ऐसे रोकपंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जो बूंदें गिरेंगी ना, उससे